हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉयस का एक अगला लेवल, जो जानना बहुत ही दिलचस्प होगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये पेपर में पूछा जाता है, हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस सेंटेंस का पैसिव बनता है और किस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। कभी कभी एक ही सेंटेंस में अलग अलग भाव दिए जाते हैं, तो उस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम लोग इसी सभी मुद्दे पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलते हैं। मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ, तो पेश है आपकी खिदमत में ये चंद सवाल। सबसे पहला सवाल की अगर हम बात करके चलेंगे, तो हमने कहा केशव हैज डिजाइंड न्यू प्रोजेक्ट, श्रेया हैज बाउट द कोर्स। द ट्रेन रीच्ड I went home। कुछ और सवाल देखने का काम करेंगे। मिस्टर शर्मा इज अ इज एन इंटेलिजेंट मैन। She seems happy today। चंद सवाल और करने जा रहे हैं। मानसी had a huge house। ये आपके सामने मैंने कुछ चंद सवाल लिखे हैं, बड़े ध्यान से चीजों को समझने का काम करेंगे तो अच्छा लेवल समझ आएगा। इन सभी चीजों को अगर हम समझे तो एक लेवल हम लोगों के सामने निकल के आता है। क्या निकल के आता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सर, हम लोग पैसिव जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर एक भव का एक पैटर्न काम करता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। भव का एक टाइप होता है जिसे हम लोग कह के चलते हैं, ट्रांजिटिव भव, और एक को बोलते हैं इनट्रांजिटिव। एक ऐसा भाव जो ट्रांजिटिव होगा और एक ऐसा भाव जो इनट्रांजिटिव होगा। मतलब क्या समझ आता है तो देखते हैं जरा। ट्रांजिटिव भाव हम ऐसे भाव को कहते हैं जो भाव अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर के चलता है। मीनिंग अगर ऑब्जेक्ट लेकर के जो चलेगा उसे ट्रांजिटिव भाव कहेंगे, और ऐसा भाव जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम लोग जो है इन ट्रांजिटिव कहते हैं, राइट। यानी अगर जिस भाव के साथ हम लोग क्वेश्चन करें और वो जो है व्हाट हुम का अगर आंसर देता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, अगर कभी भी ऐसे भाव जिसके साथ हम क्वेश्चन करते हैं और आंसर मिलता है व्हाट और हुम का, वही भाव आपका ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी भाव के साथ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते समय वो वेयर या फिर वाई या फिर वाई हाउ हाउ या फिर आपका व्हेन का आंसर देता है, तो ये जो आपके वर्ड हैं इसे हम लोग जो है एडवर्ब के नाम से जानते हैं। यानी वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वो आपका एडवर्ब होता है। तो ध्यान देंगे, जो आपका ट्रांजिटिव होगा इसका पैसिव जो है बनेगा, लेकिन ऐसा भाव जो आपका इनट्रांजिटिव होगा उसका पैसिव जो है नहीं बनेगा, राइट। तो ये चीज हम लोगों को समझ के चलना है, बड़े ध्यान से देख करके चलेंगे तो अच्छा चीज समझ आएगा। आइए, पहला सवाल है केशव हैज डिजाइन द न्यू प्रोजेक्ट। हमने कहा केशव हैज डिजाइन व्हाट, तो ये जो है आपका ये व्हाट का आंसर दिया जा रहा है, राइट।
तो व्हाट का आंसर देने वाला कायदे से होता क्या है, ये नाउन होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। मेरी ये पहली वीडियो में आप लोगों को बताया गया होगा कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बड़े ध्यान से देख लें तो आपको अच्छा चीज समझ आएगा। आइए इसका पैसिव बनाने का काम करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे द न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ हैज लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग भी हमने लिख दिया हैज, उसके बाद डिजाइंड है तो डिजाइंड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख दिया बिन, उसके बाद हम लोगों ने लिखा डिजाइंड का भी थ्री फॉर्म तो यही रह जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बाय लिखे और फिर लिखा हमने किस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सेंटेंस आपका तैयार हो गया बनकर। दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं, श्रेया हैज बाउट व्हाट, आंसर मिलेगा आपका कोर्स, तो इसका बनाने का काम करेंगे, लिखेंगे द कोर्स, उसके बाद हैज, ये आपका भीतरी है तो लिखेंगे बिन, फिर हमने लिखा बाउट, उसके बाद लिखेंगे हम लोग बाय श्रेया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटेंस आपका सही हो गया, द कोर्स हैज बीन बाउट बाय श्रेया। अगली सेंटेंस पे काम कर लेते हैं, द ट्रेन रीच्ड व्हाट, ये व्हाट का आंसर नहीं देगा, ये द ट्रेन रीच्ड वेयर, और आपको पता है कि वेयर से आंसर बताने वाला आपका कायदे से एडवर्ब होता है, इसलिए इस सेंटेंस का आप अगर पैसिव बनाएंगे तो गलत होगा, मींस इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो हम लोगों ने लिख दिया नो पैसिव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बड़े ध्यान से देखें चीजों को, आगे देखते हैं, आई वेंट होम, ये भी वर्ड आपको बताया गया होगा वेयर है, तो वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है जी। चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे, लिखा है मिस्टर शर्मा इज एन इंटेलिजेंट मैन, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इज लिखा गया है ये आपका जो है ऐसा भाव है, ठीक है, ये आपका ऐसा भाव है जो आपका एक्शन नहीं करता है, मींस कि ये आपका दूसरा कैटेगरी जिसे हमने कहा नॉन एक्शन भाव, नॉन एक्शन भाव, ये जो नॉन एक्शन भाव है तो इसमें सबसे पहले जिसे हम लोग कहेंगे स्टैटिव, स्टेटिव वर्ब की बात करके चलेंगे तो इसमें आपका बी, बिकम, इज, आर, एम, वाज, वर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, अपीयर, इन सभी वर्ड का पैसिव का नहीं, पैसिव नहीं बनेगा, राइट, यानी स्टेटिव वर्ब का पैसिव आपका नहीं बनता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो ऐसा वर्ब जो आपका पजेसिव वर्ब, तो अगर पजेसिव वर्ब होगा तो पजेसिव वर्ब का भी पैसिव नहीं बनता है, मीनिंग कि अगर आपका हैव है, बिलोंग है, ठीक है, तो ये सब आपका आता है पजेसिव वर्ब में, यानी कि अधिकार बताने वाला है, बहुत सारे चीज होते हैं, हमने हैव का दिया, हैज कह दिया, हैड कहा, ये सभी का पैसिव नहीं बनता है। तो अगर इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो मिस्टर शर्मा इज एन इंटेलिजेंट मैन, तो ये इज जो है आपका वो स्टैटिव वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा नो पैसिव, ठीक है। अगले सेंटेंस पे काम कर लेते हैं, लिखा है सी सीम्स हैप्पी टुडे, ये भी आपका स्टैटिव वर्ब है, जिस तरह से ये आपका अपीयर लिखा है उसी तरह से आपका ये सीम है, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये नॉन एक्शन कैटेगरी का वर्ब है, इसीलिए इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। आगे बात कर लेते हैं, मानसी हैड अ ह्यूज हाउस, हैड जो लिखा गया है ये पजेसिव वर्ब है और इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये नॉन एक्शन कैटेगरी का वर्ब है, इसलिए इसका भी हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे। तो पैसिव उस वर्ब का बनता है जो आपका एक्शन करता है, जो एक्शन वर्ब नहीं होगा उसका पैसिव हम कायदे से बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं आगे का क्या बातचीत है हम लोगों का, तो मैं पहले सवाल कुछ लिखता हूँ, उसके बाद एक अच्छा सा लेवल आप लोगों के बीच नजर आएगा, बड़े ध्यान से चीजों को समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, सी सेड दैट सी वाज सैड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ध्यान से देखने का काम करेंगे, राहुल अनाउंस्ड दैट द मूवी
वाज बोरिंग। द मूवी वाज बोरिंग। अगला सेंटेंस है, सीखा हैज एक्सप्लेन डैट। सीखा हैज एक्सप्लेन डैट इलेक्ट्रिसिटी इज नेचुरल। नेक्स्ट सेंटेंस, माही फाउंड डैट द राइटर कंफ्यूज्ड अस। कुछ और सेंटेंस लिख लेते हैं, देखकर चलेंगे। सी केम एंड टोल्ड द ट्रुथ। अगला सेंटेंस, मानसी सेज डैट, मानसी सेज डैट द ज्वेलरी इज नाइस। बड़े ध्यान से चीजों को देखेंगे तो आपको अच्छा सा लेवल समझ आएगा। चलिए सर, तो शुरू करते हैं बनाने का सिलसिला और बताया जाए कि पैसिव क्या बनेगा इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन है बहुत स्टैंडर्ड लेवल का। ये जितने सारे सवाल आपको मैंने लिखा है ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, खास करके मैं सीजीएल वगैरह की बात कर रहा हूँ। ये मेंस लेवल पर ये क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर अगर पेपर आप उठाएंगे तो इस तरह के सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बनाने का काम करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोग जो कहते हैं ना एक एक लाइन के, इस बार जो बिहार पुलिस की एग्जाम हुई है ना उसमें पता है 7 लाइन की नारेशन पूछी गई है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के तोते उड़े थे कि सर 7 लाइन का नारेशन तो आज तक हमने नहीं पढ़ा है, जबकि क्लास में वो पढ़ाया जाता था। जो स्टूडेंट्स अच्छे लेवल पे ऐसे अपने आप को तैयार किए हैं वो बिल्कुल उसको जो है बना करके चले हैं। तो इसलिए आप सब चीजों को समझ के चलेंगे, कोई भारी नहीं होता है, सारा चीज आसान होता है। आइए, मैंने अभी अभी आपको एक चीज समझाया कि सर हम पैसिव उस वाले भाव का बनाएंगे जो आपका व्हाट और हुम का आंसर देगा, वही पैसिव बनेगा। जो अगर वेयर व्हाई हाउ या व्हेन का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो एडवर्ब होता है और इस वजह से उसका पैसिव नहीं बनता है। राइट, तो आइए इसी चीज पे काम करने का काम करेंगे। यहां देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इस वर्ब को आइडेंटिफाई करें तो ये किस कैटेगरी का वर्ब है। लिखा है सी सेड दैट सी वाज सैड, तो हमने कहा उसने क्या कहा, जो भी कहा तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक कह डाला। अब ये तो पूरा का पूरा व्हाट का आंसर दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा तो ऑब्जेक्ट आज तक जीवन में कभी होता ही नहीं था, तो क्या करेंगे, क्या इस पूरे को उठाकर यहां पर हम सब्जेक्ट बना दें। रूल तो हमारा यही कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में ना एक डम्मी सब्जेक्ट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, डम्मी सब्जेक्ट। आप जो है कभी कभी मोबाइल पर से जब करने जाते होंगे तो वहां पर क्या होता है कि हम लोगों को डम्मी दिखाया जाता है, मोबाइल का जो है वैसा ही सेम रूप सेम चीज का जो है एक डम्मी होता है जो रियल फोन को रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर हम डम्मी सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे और डम्मी सब्जेक्ट आपका कोई और नहीं जाना पहचाना इट होता है। यानी इस पूरे के लिए हमने एक वर्ड मेंशन किया और क्या मेंशन किया, इट। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब हमारी पुरानी बात, सेड भी टू है तो इसके हिसाब से वाज लिखेंगे, फिर सेड और फिर बाई और सी का हर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो कुछ भी आगे लिखा हुआ है सारा कुछ मेंशन कर देंगे और आपका पैसिव हो गया तैयार। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस पे काम कर लेते हैं। राहुल अनाउंस्ड व्हाट, यही कि मूवी क्या थी, बोरिंग थी। तो इसको पैसिव बनाने का काम वही करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इट, अनाउंस्ड है तो वाज लिखेंगे
और फिर लिखेंगे इट वॉज अनाउंस्ड, ठीक है, बाई राहुल। इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा कंजंक्शन के साथ ऐड करता हुआ चलना है, दैट द मूवी वॉज बोरिंग। क्योंकि हम लोग सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस वही रहता है, यानी नाउन का ऑब्जेक्टिव केस सेम टू सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शिखा हैज एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नेचुरल। शिखा ने क्या एक्सप्लेन किया, यही कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नेचुरल है। तो इसका बनाने के लिए सेम सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो पहले लिखेंगे इट, उसके बाद हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय शिखा दैट, पूरी कहानी नोट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज नेचुरल, बन गया आपका पैसे। चलिए आपके सामने अगला सवाल है और ये जानना और दिलचस्प होगा, यही खेल होता है पैसिव का, जिसने अगर शिद्दत से तैयारी नहीं की ना, उसके लिए सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आता है। और कोई भी चीज अगर जिसने रट के पढ़ा, उसके लिए बेहोशी का आलम एग्जामिनेशन में छाता है। आपके सामने मैं ये स्टैंडर्ड लेवल के सवाल को लिखा हूं, बड़े ध्यान से इसको सीखने का काम करेंगे। आइए, लिखा है माही फाउंड, तो सर माही ने क्या पाया, यही कि राइटर ने कंफ्यूज कर दिया हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पैसिव बनाने का काम करेंगे, तो इसके लिए अभी अभी बताया गया डमी सब्जेक्ट इट लेकर चलेंगे, उसके बाद इट वाज और फिर लिखा हमने फाउंड, इट वाज फाउंड दैट फाउंड सॉरी फाउंड बाय माही, इतना लिखेंगे। अब यहां पर हम लोगों ने लिखा डेट, अब जरा बड़े ध्यान से देखेंगे इसका, इस भाव का तो हमने पैसिव बना दिया, लेकिन अगर हम यहां पर नजर डालते हैं तो कंफ्यूज्ड अस, किसको कंफ्यूज किया, तो सर हम लोगों को कंफ्यूज कर डाला, यानी ये भी अपने आप में ट्रांजिटिव भाव है और इसका भी पैसिव बनेगा। तो इसका पैसिव बनाने के लिखेंगे वी वर कंफ्यूज्ड बाय द राइटर, कंफ्यूज्ड बाय द राइटर, यानी दोनों ही पार्ट का पैसिव बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये भाव है और ये भाव है, राइट। तो पहले इस भाव का देखें तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इसके लिए हम देखा कि ये पूरा का पूरा व्हाट का है, यानी ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए डमी सब्जेक्ट इट लिखा, उसके बाद फाउंड है तो वाज और फिर फाउंड लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, बाय माही, ठीक। डेट था तो डेट लिख दिया हमने, अब ये भी व्हाट का आंसर दे रहा है तो इसका भी पैसिव बनना चाहिए, तो अस को लिखा वी, उसके बाद वर, फिर कंफ्यूज्ड बाय द राइटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगली सवाल पे काम कर लेते हैं, देखिए बड़ा जन से, सी केम एंड टोल द ट्रूथ। यहां पर देखते हैं ये भी भव है और ये भी भव है, तो सी केम, अब ये व्हाट का तो आंसर दे ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव, लो जी। अब ये टोल्ड, तो सर कहा क्या, तो सर ट्रूथ को कहा, राइट। तो इस क्वेश्चन को पैसिव बनाने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है, सी केम का केम लिखना पड़ेगा, एंड अब इसका पैसिव बनाएंगे ना, क्योंकि जो ट्रांजिटिव होगा उसका पैसिव बनाएंगे, तो लिखेंगे द ट्रूथ वाज टोल्ड बाय हर। हम लोगों ने क्या किया, ये इंट्रांजिटिव था तो इसको एज इट इज लिख दिया गया, एंड लिखा हमने, और फिर इसका पैसिव बनाने के लिए ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वी टू होने की वजह से वाज, फिर टोल्ड और फिर आपका बाय, और हमने यही तो है, यही तो बोली है सच, इसलिए सी को हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे, आखिरी सवाल पर काम करते हैं, देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है हमने कुछ और लिखा था, चलिए माही लिखा हुआ था, माही सेज दैट द ज्वेलरी इज नाइस। माही ने, माही क्या कहती है, यही कि ज्वेलरी नाइस है, तो इज तो आपका देख लीजिए स्टैटिव वर्ब है, इसका तो पैसिव बनेगा ही नहीं, इसलिए इसके लिए डमी सब्जेक्ट इट लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे इट इज सेड बाय माही, उसके बाद लिखेंगे डैट और पूरा का पूरा जो भी बातचीत है उसको नोट डाउन कर देंगे, और ये बन गया हम लोगों का पैसिव। आई होप आप लोगों को आज बेहतर समझ आया होगा, हर एक दिन लेवल उठा करके चलते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेवल के साथ, और काफी मजेदार रहेगा अगला हमारा वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।